बुझारत पाउन लग्या दोस्तों जे बुझ ली तां मन जांगे सोनू। बुझारत पाई क्यों जांदी सी? समझ चैक करन वास्ते साडे बजुर्ग पाउंदे हुंदे सी। ते जिहड़ी मैं बुझारत पाउन लग्या इह वी बई जी समझ चैक करन वास्ते ही आ, क्योंकि अज सानू बई जी समझ दी लोड़ आ। साडी ना समझी करके असीं कि इहनां हालातां च आए खड़े आ। दो गल्लां सुनाऊंगा, एक जग बीती सुनाऊंगा, एक हड बीती सुनाऊंगा, दोनों चो दो सवाल करूंगा। दोनों सवाल जे बई जी तुसीं बुझते साडा पंजाब की आ बच सकदा। बुझारत शुरू कर दो पहला दोस्तों, बेनती करदा वी इस पोस्ट नूं पुरानियां पोस्टां वांगू वध तों वध शेयर कर दिओ, तां कि सवाल हरेक पंजाबी नूं कीता जा सके ते उह अपना जवाब सानूं जरूर देवे। उस जवाब दे विच ही बई जी साडी की आ होंद ते साडा भविख की आ लुकिया होया। बई जी असीं फेसबुक वाले इनकलाब वाले नहीं, असीं पहलां वी बई जी पिंडां दीआं सत्थां 'च निकले होए आ। बई बलविंदर सिंह करके 1300 पिंड कढ चुके आ, साडी टीम ने बई जी 250 तों उपर पिंड की असीं वी कढ चुके आ। असीं पिंडां दे विच निकले होए आ। असीं पिछले 8 महीने 'च जिहड़ी कंपेन कीती आ लोक अधिकार लहर दी, उहदे बारे बई जी तुसीं जे तुसीं जानना चाहुंदे हो तां हेठां इंस्टाग्राम दा लिंक आ रिहा, इस लिंक के उपर जाओ, फॉलो जरूर करो बई जी, तां कि अगला मैसेज आ जिहड़ा मैसेज तुहाडे तक पहुँच सके। हुण असीं गल शुरू कर लगे बई जी दोनों बुझारतां दी। एक गल करूँगा बई जी सियासतदानां बारे, एक गल करूँगा अफसरशाही बारे। सानू दो वर्गों ने बई जी की आ खत्म करता, ते इन्हां दोनों वर्गों नूं बई जी बनाउण वाले कौण आ? असीं आ, कसूरवार असल दे विच असीं आ। चलो मैं गल शुरू कर लग्या बई जी अपनी पहली बुझारत तो। मैं एक बंदे बारे तुहानू दसूंगा, हिंट भी देऊंगा, तुसीं उह बंदे की पछाण करनी आ। उह बंदा कौण आ? सियासतदान आ। उह बंदा की है? एक शेर दे वांगू कि गुफा चों जिवें शेर बाहर आउंदा ऐ बाहर आउंदा, झाड़ियां चों हुंदा होया दहाड़दा होया बाहर आउंदा, 1.5-2 मिंट बाद आके खुले मैदान जाके खड़ जांदा, फिर उत्थे आके मुठियां की आ बंद करके पूरा शेर वांगू गरजदा दहाड़दा, ते 3-4 मिंट बाद फिर की करदा बई जी? चुप करके जाके बैठ जांदा। उहनूं लोक शेर कही जांदे आ, पर मैं उहनूं बई जी ना तां जंगल दा शेर कह सकदा। उह पछाणो बई जी मैं किहड़े परसन दी गल कर रिहा। थल्ले कमेंट बॉक्स दे विच बई जी उहदा नां लिख दिओ, ठीक है। पहला तो यह दस्सो भी तुहानूं शेर लगता कि नहीं लगता। जिहनूं शेर लगता बई जी वह शेर दस दिओ, जिहनूं वह जंगल का शेर लगता जंगल का शेर दस दिओ, जिहनूं वह सर्कस का शेर लगता सर्कस का शेर दस दिओ, ते जिहड़े बंदे नूं बई जी वह चिड़ियाघर वाला शेर लगता, ठीक है, जिहड़ा की है कि कंध के अंदर की है खेल के अंदरले पासे बैठा हुंदा, जे वह शेर लगता वह शेर भी दस दिओ, जिहड़ी तुहाडी समझ कहिंदी आ। क्योंकि तुहाडी समझ ने बई जी की है तुहाडा भविख डिसाइड करना। साडा भविख की है तुहाडी समझ के उपर बई की है निर्भर करता। दूसरा जिहड़ी मैं गल सुनाउण लग्गा बई जी अफसरशाही दी, वह मेरी हड बीती आ। इह गल जिहड़ी तुहानूं पहलां सुनाई आ जग बीती आ सारिआं ने देखिआ। उह की आ बई जी, असीं पिंडां दे विच निकले होए सीगे, मानसा जिले दे इक पिंड दे विच असीं गए सी। उस पिंड दे विच बई जी इकट्ठ कर लिआ सारे पिंड दे, की असीं हरेक घर दा इक मैंबर इकट्ठा कीता, सारियां धिरां इकट्ठियां कर लईआं। उत्थे अफसर साहिबान वी बैठे सी विच। मैं उत्थे अपनी गल शुरू कीती बई जी गुरू नानक पातशाह तों, जिहड़े कि बाबर नूं जावर मूँह ते कहिंदे सी ते साडे 'च उह दम नहीं है। मैं उत्थे गल इक्को कही सी, मैं कहा भी गुरु नानक पातशाह ने कहा सी कि राजे शी मुकदम कुत्ते। राजे पुराने समय च होंदे बई जी, मुकदम कौन होंदे सी? जिहड़े उन्हां दे अहलकार होंदे सी, कोई मंत्री वजीर सेनापति, जिहड़े उन्हां नूं अहलकार कहा जांदा सीगा उन्हां नूं मुकदम कहा जांदा सीगा, ठीक है। अज दे राजे कौन आ? वैसे अज दे राजे बई जी असीं हाँ, ठीक है। तो असीं की आ इन्हां नूं तनखाहां दिंदे आ जिहड़े मंत्री वजीर जिहड़े हैगे, क्योंकि राजे असल 'च असीं हाँ पर सानूं साडी ताकत नहीं पता। चलो गल करदे आ बई जी, मैं उत्थे गल कही कि जिहड़े अज दे मुकदम आ, मतलब कि अज दे साडे मंत्री संतरी SSP, ठीक है, DC आ, चाहे कोई DSP आ, जिन्ने मुलाजम आ, वह अज कल बई जी मुकदम ने जिहड़े, वह कुत्ते नहीं हैगे, वह हल्के कुत्ते बन गए। जे मेरी गल नाल सहमत हो बई जी दस्यो कि थोनू हल्के कुत्ते लगते आ, ते जिहड़े हल्के कुत्ते थोनू बई जी अज दे समाज जिन्हां नाल वाह पिया उन्हां दा थल्ले नां ते अहुदा जरूर लिख दिओ जिन्हां नाल भी वाह पिया। इन्नी गल कह के बई जी मैं स्टेज तों थल्ले उतर गया। उस तो बाद की घटना वापरी, जिहड़े अफसर साहिबान उत्थे पहुंचे सी उन्होंने बई जी मेरे एक मित्र नूं फोन करके कहिंदे यार रुपिंदर बड़ा गलत बोलिया अज स्टेज ते। कहिंदा जी की बोलिया? कहिंदे मैं लाइव सुनिया सी। कहिंदे रो ऐ करके कहिंदा भी अफसर हल्के कुत्ते हुंदे आ। उह कहिंदा जी उहने इह गल नहीं कही, उहने इह गल कही सी भी ज्यादातर अफसर अज दे की आ हल्के कुत्ते आ। कहिंदा जे तुहानूं गल उहनां दी पिंच होई आ ना, तां मेरे दोस्त ने भी उस अफसर नूं इही गल कही कि तुसीं भी फिर हल्के कुत्ते हो। क्योंकि असीं की करदे हुंदे आ बई जी, कई वारी ग्रुप 'च बैठे हुंदे आ, कोई जानकार बंदा होवे ते सानूं पता होवे ने कोई गलती कीती आ जां साडे नाल कोई माड़ी कीती आ, तां असीं की आ गाल दे के गल कह दिंदे वी आह पता नहीं किहड़े फलाने ने गाल कढ के कहने आ वी यार आह कम्म करता, तां उहनूं महसूस हो सके। कहिंदे वी उसे संदर्भ दे विच गल कीती सी वी जे तुहानूं पिंच होई आ ना तुसीं हल्के कुत्ते हो। जिहड़े अफसर साहिबान नूं बई जी मेरियां गल्लां महसूस हुंदियां ना चुभदियां ने, तां उह हल्के कुत्ते आ। ते जिहड़े अफसर साहिबान बई जी दिनों सही ड्यूटी करदे आपणा फर्ज निभाउंदे आ, उन्हां नूं साडियां गल्लां पिंच नहीं हुंदियां ते उह साडा साथ भी दिंदे आ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿਗਾ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ 93 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਕ 'ਤੇ ਗੈਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਿਓ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਪਾਵਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਯਾਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈ ਆ। ਆਜੋ ਰਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਸਿਰਜੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।